राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और माट में इस लहर ने बहुत बड़ी गति पकड़ी। वही पार्टी जो बड़ी पार्टी के खिलाफ जो थी वो 2-3-4-5% वोट उसको मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने वही वोट लिए हैं जो भाजपा के बसपा प्रत्याशी को वोट आते। मतदान के बाद प्रत्याशी अब राहत भी महसूस कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के गणित लगा रहे हैं। माट विधानसभा सीट पर सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी संजय सिंह लाठर ने मतदान के बाद अपनी जीत का दावा किया है। न्यू न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने अपनी जीत के लिए समीकरण कुछ इस प्रकार बताया है, देखिए यह खास बातचीत। विधानसभा चुनावों के पहले चरण का मतदान हो गया है, प्रत्याशियों ने भी थोड़ी फुर्सत ली है और अब मतदान के बाद सब अपनी जीत के समीकरण लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माट विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर साहब के पास में, जो कि एक दिन बाद हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि कोई परिवार में ट्रेजडी हो गई थी तो समय पर इनका यहाँ रुकना संभव नहीं था, उस ट्रेजडी में आप चले गए थे, लेकिन एक दिन बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। लाठर साहब, मतदान हो गया, कुछ फुर्सत सी अब आपको लग रही है? पिछले एक महीने से लगातार आप कैंपेनिंग में थे, लोगों के बीच जा रहे थे, जनता से अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे, 22 का चुनाव हो गया, मतदान और मतदान के बाद परिणाम का इंतजार है, क्या इंतजार है और क्या आकलन अभी तक आपका रहा है, जनता के बीच आप गए? देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और माट में इस लहर ने बहुत बड़ी गति पकड़ी है और निश्चित तौर पर जिस तरह का हमें जन समर्थन मिला सातों जात का, और जन समर्थन के साथ जो बदलाव की बयार थी माट में, डबल बयार थी माट में, जहां लोग सरकार से त्रस्त थे, वहीं जो लंबे समय से विधायक यहां बैठा था जिन्होंने भाई भाई को लड़ा के परेशानी दी थी उसको बदलने की बयार थी, तो माट के अंदर पूरी की पूरी बदलाव की बयार थी जिसका हमें फायदा हुआ। 22 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आपके लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। चुनाव के दिन आप तमाम बूथों पर गए, भ्रमण पर गए, क्योंकि मतदान के बाद जब चर्चा रहती है तो सिर्फ अपने अपने आकलन होते हैं। मैं दिख रहा हूँ कि तमाम यहाँ क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं और सभी अपने बूथों की जानकारी दे रहे हैं, तो अभी तक जो लोगों के अपडेट्स आपके पास में आ रहे हैं बूथ वाइज, क्षेत्र वाइज, किस तरीके के अपडेट आपके पास में? देखिए, अच्छी बात ये है कि गठबंधन के तौर पर जब मैं चुनाव लड़ा तो उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। हमारा कोई बूथ ऐसा नहीं है जिसमें हमें वोट ना मिले हो, कोई जात कैसी नहीं है जिस जात का वोट हमें ना मिला हो। यही सबसे हमारे लिए पॉजिटिव है कि हमें हर जाति का वोट मिला और हर बूथ पे वोट मिला, इसीलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। हर जाति हर बूथ की बात करें, पहला भी आप चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार गठबंधन से चुनाव लड़े हैं, योगेश नोहवार कुछ मतों से लास्ट वाले चुनाव पर हारे थे, अगर उस कैलकुलेशन को अगर हम लें तो आपका अपना कैलकुलेशन क्या है इस बार का? देखिए, मैं सभी साथियों से मेरा विचार हुआ, टेलीफोन पे भी हुआ, मिलके भी हुआ, अभी बात हो रही है, राष्ट्रीय लोकदल का ज़्यादातर वोट हमें मिल गया सारा, कुछ वोट प्लस भी हमारे वाला भी हुआ है, कुछ वोट जो जगदीश नोभार जी को गठबंधन से, सपा कांग्रेस गठबंधन से मिला था वो भी वोट हमें मिला, उसके अलावा जो हमारी और योगेश जी की लंबी 10-10 साल की मेहनत थी उसका भी हमें बेनिफिट मिला है, उसके अलावा जो हमारा मैनिफेस्टो था कर्मचारियों के लिए, शिक्षा मित्रस के लिए और आम जनता के लिए, उसका वोट भी हमें मिला है, तीसरा बदलाव का वोट हमें मिला है, ये सारी चीज़ को जोड़ लिया जाए तो हम बहुत बड़ी लीड से चुनाव जीत रहे हैं। दो प्रत्याशी आपके लिए अब मैदान में रहे, बसपा प्रत्याशी के रूप में शामसुंदर शर्मा और भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजेश चौधरी, क्योंकि राजेश चौधरी भी उस नौहारी को बिलोंग करते हैं, ऐसे में राजेश चौधरी को राजेश चौधरी से आपको कितना डाउट है कि वो आपके वोट को थोड़ा सा ले सकते हैं? देखिए, राजेश चौधरी भाजपा का उम्मीदवार था, जाति से कुछ नहीं होता या क्षेत्र से कुछ नहीं होता, राजेश चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिए प्रवक्ता के तौर पर, किसान उससे बेहद रुष्ट थे और वो कोई नुकसान हमें नहीं कर पाया, लेकिन ये सही है कि जो
हर गांव में, खासकर जाट में, गुजर में, ठाकुर में या दूसरी जो किसान जातियां हैं उनमें कुछ पार्टीबाजी होती है, थोड़ा बहुत जो एक आध थोड़ा बहुत उनको गया है और वे स्वाभाविक है। ये पहले ये वोट पहले श्याम सुंदर शर्मा जी को जाता था, अब उसको चला गया, पहले हमें मिलता था, लोकदल को नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत जो 2-3-4-5% वोट है वो गया है और कोई वोट उसके साथ गया नहीं। लास्ट वाले चुनाव में जगदीश नौवार को 3,000 वोट मिले थे, उस वोट को आप कहाँ स्टैंड देख रहे हैं? देखिए, जगदीश नौवार जी को 2 ही वोट ज़्यादा मिले थे और वो सारे के सारे हमारे वोट हमें आ गए हैं, कोई वोट ऐसा नहीं है जो कहीं और गया हो। क्या भाजपा के लिए भी जाट वोट जा सकता है क्या? मैंने आपको बताया कि सारे के सारे उसमें पार्टीबाजियाँ होती हैं, जो छोटी पार्टियाँ थी या जो गिनती की पार्टियाँ थी, जो कभी कभार मुझे आ जाती थी लोकदल को छोड़ के, जो कभी अल्टरनेट के तौर पर श्याम सुंदर शर्मा जी को चली जाती थी, वही पार्टी जो बड़ी पार्टी के खिलाफ जो थी वो 2-3-4-5% वोट उसको मिला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों प्रत्याशियों में अगर आप समीकरण के हिसाब से बात करें, जो आपने अपना आंकलन लगाया है, तो आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर तो होगी टक्कर नहीं है, 25-30 हज़ार की जब लीड हो तो टक्कर नहीं होती। दोनों प्रत्याशियों को आप कहाँ स्टैंड देख रहे हैं, यानी अगर हम बात करें, क्योंकि आप चुनाव मैदान में रहे, आपका अपना आकलन है, दूसरे प्रत्याशियों का अपना आकलन है, तो ऐसे में इन दोनों प्रत्याशियों को आप कहाँ खड़ा दिख रहे हैं? देखिए, एक दूसरे को मार उन्होंने ज़्यादा की है। अच्छा होता जैसे भाजपा प्रत्याशी ने श्याम सुंदर शर्मा की बड़ी संख्या में सोनई में, माट में, नौझील में, शेरगढ़ में, सुरीर में, गाँव के तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, ये आप टेलीफोन पर, उन्होंने वही वोट लिए हैं जो भाजपा के बसपा प्रत्याशी को वोट आते थे, तो उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन वो अपनी अपनी वोट ले जाएं, पहली भाजपा अपनी वोट जितनी आई थी उस पर स्टैंड कर जाए 60,000 पे, और पंडित जी 65,000 पे कर जाएं, ये हो सकता है कि जो उसके जो वोट थे एस के शर्मा का कुछ वोट उसको चला गया हो बीजेपी श्याम सुंदर शर्मा कुछ वोट, मैं जातिगत नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है मे भी, लेकिन उसके साथ जो मुस्लिम और दूसरे वोट थे वो कट गए हैं, दादा मर गया पोता हो गया, वही 3 के 3 वही हुए, उनकी कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रही, वोट कटे हुए श्याम सुंदर शर्मा के हमें दिख रहे हैं, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, लोगों से पूछा बढ़े कहाँ हैं उसके वोट, बढ़े हुए नहीं दिख रहे मुझे, बढ़ा हुआ ना बीजेपी का बढ़ा दिख रहा ना उनका। राजेश को कितना मान रहे हैं आप? अपने आंकड़े से नीचे रहेगा पुराने से, दोनों इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तमाम लोग क्षेत्र से आ रहे हैं, अपने अपने बूथ की जानकारी दे रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। अगर मैं लाठर साहब को बात करूँ तो कितनी संख्या में उनका आंकड़ा पहुँच रहा है? 1 लाख से ऊपर, सीधा गणित है, लोकदल का वोट घटा नहीं, जगदीश का वोट हमें जुट गया, या ये कह लीजिए हमें कोई जात ऐसी नहीं है। संजय लाठरा आप पता करोगे, यहाँ भी 7 जात के लोग बैठे, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, अगर संजय लाठरा का आप देखोगे तो कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमें वोट ना मिला हो। सत्ता की बदलाव की बयार है, हमारे पक्ष में लहर है, हमारे प्रति लोगों को आस भी है, हमारा 10 साल का काम है, इसलिए हम 1 लाख को टॉप कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशी 60 के अराउंड रहेंगे या ऊपर भी? वही जो पुराना रहा, पुराना आंकड़ा है। मुझे लगता है उसमें कमजोरी अगर किसी की पड़ी है तो श्याम सुंदर शर्मा जी की, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं श्याम सुंदर शर्मा जी रिपोर्ट्स में कम पड़े हैं, कुछ वोट उसके जो सजातीय वोट थे जो एस के शर्मा जी ने काट लिए थे वो थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, नहीं उसके अलावा कोई बेनिफिट्स हमें उसको दिख नहीं रहा, बल्कि उसके जो ठाकुर वोट थे, उसके जो बघेल वोट थे, उसके जो दूसरी जातियों के वोट थे, उसके जो मुस्लिम वोट्स आते थे वो उसकी सफाया हो गया। ये तो विधानसभा मार्ग की बात हुई, आप अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त हैं अब, क्योंकि आप प्रदेश के नेता भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं, तमाम उनके कार्यक्रम आपके द्वारा रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 10 फरवरी को हुआ है उसमें आपका आकलन क्या? 40+ गठबंधन मिनिमम 40+, 45 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। जिस
तरीके से एक माहौल बन रहा था चुनाव मतदान से पहले गठबंधन का, जाट मुस्लिम एक फैक्टर को काउंट किया जा रहा था, इसमें अब राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो फैक्टर इतना नहीं चल पाया है, क्या मायने इसके? देखिए पूरा फैक्टर चलाया है, पूरा किसान, पूरा बैकवर्ड्स, पूरा का पूरा हर तरह की जाति गठबंधन में आई है, बड़ी जाति भी आई है, ब्राह्मण भी आया है, सब तरह की जाति गठबंधन में आई। पांच सीटों में से कितनी सीटें आप ले रहे हैं? मैंने बताया ना मिनिमम 40+, मैक्सिमम 40+, वैसे जो देखो हमारे जो आंकड़े हैं वो 48 की है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें, अभी आने वाले समय में मतदान होना है, तो वहाँ क्या स्थिति पर स्टैंड करेंगे आप? हम दूसरे चरण बाद की बात छोड़िए, अभी जो पोलिंग खत्म हुई है, पोलिंग पर वो प्रचार खत्म हुआ है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं दूसरे में हम 50 टॉप कर जाएंगे दूसरे चरण में। एकदम लास्ट वाले पूर्वांचल वाली, तो पूर्वांचल की अभी मत कहलाइए, क्योंकि कैंपेन जब तक हो, अब तो जो हो चुका है, जब कैंपेन हो चुकी है, लोगों का जनमानस बन चुका है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब जब हम शुरुआत में उठता जा रहा है, पहले 40-45 या 50 टॉप करते जा रहे हैं, तो बढ़ता ही जाएगा आंकड़ा। पूर्वांचल में डेंट है क्या बीजेपी के? वो बीजेपी साफ हो जाएगी, कितनी प्लस मान रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में सपा की? 300+, जो बीजेपी की थी उससे ज़्यादा हमारी आएंगी। धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी संजय लाठर साहब। माट विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत को लेकर उन्होंने दावा किया है, साथ ही साथ कहा है कि गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उन्हें 1,00,000 मतों की वो बात कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों के सामने कह रहे हैं क्योंकि टक्कर नहीं है, लेकिन ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल संजय सिंह लाठर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार वो माट विधानसभा क्षेत्र की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन 1,00,000 मतों की बात कर रहे हैं, 10 मार्च को पता चलेगा। बहरहाल वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। न्यूज़ न्यूज़ का प्रसंग गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और माट में इस लहर ने बहुत बड़ी गति पकड़ी। वही पार्टी जो बड़ी पार्टी के खिलाफ जो थी, वो 2-3-4-5% वोट उसको मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने वही वोट लिए हैं जो भाजपा के बसपा प्रत्याशी को वोट आते हैं।